हेलो स्टूडेंट, दिस ऋषि गुप्ता एंड यू आर सेइंग स्टडी गियर। आज की वीडियो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की सिक्स्थ वीडियो है, यानी कि जो लास्ट वीडियो एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट्स की। तो अभी तक मैं इस चैप्टर की 5 वीडियोस बना चुका हूँ, तो उन सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी है। आप पहले उन 5 वीडियोज़ को देखिए, तब जाके इसको देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट वीडियो, इस वजह से कह रहा हूँ पहले उन वीडियोज़ को देखिए, नहीं तो इसे मत देखना। लेकिन वो 5 वीडियो देखने का, ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको एग्जाम में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑन स्टील। मतलब जब हम स्टील पे हीट करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब किस तरीके का शेप लेगी, किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है। चलिए पढ़ते हैं। द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील दैट इज हार्डनेस एंड इलास्टिसिटी कैन बी ऑब्टेंड बाय सूटेबल हीट ट्रीटमेंट। जो भी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं स्टील की, जैसे कि हार्डनेस और इलास्टिसिटी। हार्डनेस जानते हैं टाइटपन, ठीक है ना, ठोसपन। इलास्टिसिटी मतलब जब वो खिंच जाए, ठीक है, तो वो किस तरीके कैसे ऑब्टेन होती हैं, ये हार्डनेस और इलास्टिसिटी हीट ट्रीटमेंट की वजह से। जब स्टील को तुम हीट दोगे, गर्म करोगे, तो वो इलास्टिसिटी भी, उसकी प्रॉपर्टी देखी जाएगी, उसमें इलास्टिक भी हो जाएगी स्टील और हार्ड भी हो जाएगी, ठीक है। आगे लिखा है द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के कुछ टाइप्स दिए हैं, वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है हार्डनिंग और क्विंचिंग। वेन रेड हॉट आयरन अप्रोक्सीमेटली हैविंग 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इमिडिएटली प्लंग्ड इन टू कोल्ड वाटर, इट बिकम्स एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग रेड हॉट आयरन इमिडिएटली इज कॉल्ड क्विंचिंग और हार्डनिंग। मतलब हार्डनिंग और क्विंचिंग वो प्रोसेस है जिसमें जब हम रेड हॉट आयरन मतलब इतना गर्म होगा वो आयरन लोहा, इतना गर्म कि लाल हो, ठीक है। रेड हॉट आयरन अप्रोक्सीमेटली माना गया कि 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसे गर्म कर लो, ठीक है। इतने गर्म लोहे को हम एकदम से अचानक से ठंडे पानी में डालेंगे, बिल्कुल ठंडे में, बर्फ़ के घुले पानी में डालेंगे, तो उससे क्या हुआ, जो आयरन है वो एकदम से हार्ड हो जाएगा और ब्रिटल हो जाएगा। हार्ड मतलब ठोस हो जाएगा, और ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है जब कोई चीज़ हथौड़े से तोड़ी जाए उसे ब्रिटल कहते हैं, तो वो लोहा हार्ड और ब्रिटल हो जाएगा। इसी प्रोसेस को, मतलब कि रेड हॉट आयरन को कूल करने की प्रोसेस को ही हम हार्डनिंग और क्विंचिंग कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस है टेम्परिंग। वेन क्विंच स्टील इज हीटेड एट अबाउट 200 डिग्री टू 350 डिग्री सेल्सियस एंड देन कूल्ड ग्रेजुअली, दिस प्रोसेस कॉल्ड टेम्परिंग। टेम्पर्ड स्टील इज मच लेस ब्रिटल। मतलब जब हम क्विंच स्टील, यानी कि हमने हार्डनिंग वाली प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें क्विंचिंग भी कहते हैं हार्डनिंग को, ठीक है, तो उसमें स्टील क्विंच हुई थी, मतलब जो उस प्रोसेस में जो भी स्टील बनी उसे क्विंच स्टील कहेंगे, सीधी सी बात है, उस प्रोसेस के थ्रू जो भी बनेगी क्विंच स्टील कहलाएगी। तो जब हम टेम्परिंग, वो प्रोसेस जब हम क्विंच स्टील को हीट करते हैं, थोड़ा बहुत हीट करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करेंगे इसे, ठीक है, और एकदम से उसे ठंडे पानी में डाल देंगे, कूल कर देंगे, इस प्रोसेस को हम टेम्परिंग कहते हैं। उसमें ज़्यादा गर्म करना कर रहा था, ठीक है, और बर्फ़ के पानी में डालना था एकदम से, इसमें कम गर्म करना, बर्फ़ के पानी में डालना है, इसलिए इसको टेम्परिंग कहते हैं। और टेम्पर्ड स्टील जो है वो कम ब्रिटल होती है, मतलब ज़्यादा, मतलब हल्के से हथौड़ा मारोगे तो नहीं टूटेगी, इसमें दम से हथौड़ा मारना पड़ेगा तब जाके टूटेगी ये, जबकि हार्डनिंग वाली स्टील हल्के से हथौड़े में टूट जाएगी। थर्ड है एनियलिंग। द प्रोसेस इन विच रेड हॉट आयरन इज कूल्ड स्लोली इज कॉल्ड एनियलिंग। द स्टील बिकम सॉफ्ट बाय दिस प्रोसेस। द एनियलिंग इफेक्ट ऑन स्टील इज अपोजिट टू दैट ऑफ क्विंचिंग। मतलब एनियलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम रेड हॉट आयरन को कूल करते हैं स्लोली स्लोली, ज़्यादा ज़्यादा तेज नहीं करना, स्लोली स्लोली हम कूल करेंगे, जबकि इन दोनों प्रोसेस में टेम्परिंग और हार्डनिंग में हम जल्दी से कर रहे थे, इसमें स्लोली स्लोली कूल करेंगे, इसको एनियलिंग कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में स्टील जो है सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद ये लिखा है कि जो एनियलिंग इफेक्ट पड़ता है स्टील पर, वो क्विंचिंग इफेक्ट के बिल्कुल अपोजिट होता है। सही बात है, उसमें कितना गर्म कर रहे थे और बर्फ़ के पानी में अचानक से जल्दी से डाल रहे थे, इसमें ज़्यादा गर्म भी नहीं कर रहा है और जल्दी भी नहीं डाल रहा है ना, बिल्कुल अपोजिट, इसलिए इसमें यह लिखा है कि बिल्कुल अपोजिट है ये क्विंचिंग इफेक्ट के। ये थे हीट ट्रीटमेंट ऑन स्टील, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ स्टील। जब जब हीटिंग इफेक्ट पड़ेगा स्टील पे तो क्या होगा उसका, स्टील का, ये हम समझ चुके हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ टुडे सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पीएच स्केल। अब पीएच स्केल के बारे में जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
pH is defined as pH value of a solution is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. मतलब pH value क्या होती है? pH value होती है minus logarithm, negative logarithm of hydrogen ion concentration. Negative logarithm ठीक है, minus log into H positive ion, ऊपर positive, जी होता है pH. अब जो pH scale है ये पूरी, ठीक है, अब इसको समझिए जी क्या है pH scale है. अब इसके अंदर का मैटर क्या है जो समझिए. सबसे पहले तो हर स्केल में रीडिंग्स होती हैं, बस 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है. तो इसमें भी होंगी, सीधी सी बात है. तो इधर से शुरू होगी, इधर 0, फिर बीच में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, जो सेवन्थ, उसके बाद ऐसी 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. सेवन्थ बीच में आएगी क्योंकि ये न्यूट्रल होती है, ठीक है. सेवन्थ हमेशा बीच में आएगी, बीच की लाइन में जो न्यूट्रल होती है ये याद रखना. और जब 14 पे स्केल ख़त्म हो जाएगी, इससे ज़्यादा ही चलेगी और नेगेटिव में नहीं चलेगी, ये पॉजिटिव में चलेगी. 1, 2, 3 पता चले आप चला दो, 1, -1, -2, -3 ऐसे नहीं, पॉजिटिव में चलेगी. अब इसको समझिए, बीच में सेवन हो गया न्यूट्रल. अब इसमें कब बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, कब एसिडिक इंक्रीज होता है ये समझिए. सबसे पहले तो जीरो से लेकर सेवन तक जो है वो एच पॉजिटिव आयन होता है इस स्केल में, ठीक है. और सेवन से लेकर 14 तक ओ एच नेगेटिव आयन होता है, ठीक है. मतलब इधर जो है इधर पॉजिटिव आयन हो गया और इधर नेगेटिव आयन हो गया. अब यदि इधर पॉजिटिव आयन है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है. 100% एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, आप भी समझ गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत समझाया है इस चैप्टर में पहले वीडियोज में, ठीक है ना. आपने यदि वो नहीं देखी तो पहले उन्हें देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने पहले ही बहुत समझाया. सीधी सी बात है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा और इधर इधर नेगेटिव आयन है, ठीक है. मतलब बेसिक नेचर है, बेस है ना ये, और एच क्या है एसिड और जी क्या है बेस, तो इधर बेसिक नेचर इंक्रीज होगा. चलो भाई ऊपर का काम तो हो गया एसिडिक और बेसिक का, अब नीचे आते हैं. नीचे रो क्या बने, इंक्रीज इन एच पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, इंक्रीज इन ओ एच नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन. सही बात है, इधर यदि एच पॉजिटिव आयन है तो इधर जाके वो इंक्रीज होगा एच पॉजिटिव आयन, और इधर ओ एच नेगेटिव आयन है तो इधर जाके ओ एच नेगेटिव आयन इंक्रीज होगा, ठीक है ना. लेकिन आप कंसनट्रेशन लिखना मत भूलना, नहीं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे एग्जाम में. जी होगा ये हमारी पी एच स्केल. टुडेज थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ पी एच. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जे पी एच के इंपॉर्टेंस बताओ. पी एच स्केल अभी पढ़ी, अब इंपॉर्टेंस समझिए इसके. फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन अ नैरो पी एच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो सर्वाइव इन अ नैरो रेंज. मतलब हमारी बॉडी जो है वो कैसे वर्क करती है, एक पी एच रेंज में वर्क करती है. हमें आज तक ये पता नहीं थी कितनी रेंज में वर्क करती है, लेकिन ये पता है कि पी एच रेंज में वर्क करती है. हमारी बॉडी कितनी पी एच रेंज में वर्क करती है, 7.0 से लेकर 7.8 तक की पी एच रेंज में वर्क करती है हमारी बॉडी, ठीक है. और आगे लिखा है कि प्लांट्स और एनिमल्स भी इतनी ही रेंज में सर्वाइव करते हैं, ठीक है. सेकेंड है इनडाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में पी एच का क्या इंपॉर्टेंस है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, बट इफ इट बिकम्स एक्सेस द पी एच फॉल्स एंड पेन एंड इरीटेशन अकर्स. टू गेट रेड ऑफ दिस एंटीसाइड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज जनरली यूज टू एडजस्ट द पी एच. मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में ये इम्पोर्टेंस है पी एच का कि हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक में प्रोड्यूस होता है, ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होता है, मतलब अपने पेट में, ठीक है, जो कि हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, खाना वगैरह पचाने में जो हमें हेल्प करता है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. लेकिन यदि ये कभी एकदम एक्सेस यानी कि बढ़ना चाहे तो क्या होता है, पीएच फॉल्स यानी कि पीएच गिर जाता है, एकदम कम हो जाता है पीएच. तो यदि पीएच कम हो जाएगा तो पीएच तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने पूरी बॉडी में, ठीक है. यदि पीएच कम हो जाएगा तो फिर हमें पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा स्टमक में, पेट में, और इरीटेशन होने लगेगी, ठीक है ना. तो उससे क्या होगा, हमें दिक्कतें आएंगी बहुत सी. यदि हमें इन चीज़ों से बचना है, पीएच फॉल हो गया और पेन और इरीटेशन हो रहा है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए सीधी सीधी एक ही दवा लीजिए. कोई दवा नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैग्नीशिया का मिल्क पी लीजिए, आपको आपका पीएच एडजस्ट हो जाएगा फिर से और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से अच्छा हो जाएगा, आपको दर्द खत्म हो जाएगा, इरिटेशन खत्म हो जाएगी. थर्ड इम्पोर्टेंस है पीएच का इन सेविंग टूथ डिके. दांत वगैरह में, दांत वगैरह को बचाने में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का, ये समझिए. बहुत इंपॉर्टेंट है,
सब्सटेंस लाइक चॉकलेट एंड स्वीट्स आर डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ। सही बात है, जैसे कुछ सब्सटेंस जैसे कि चॉकलेट स्वीट्स वगैरह जो हैं वो बैक्टीरिया खाते हैं अपने माउथ में। अपन तो चॉकलेट वगैरह खा लेते हैं, स्वीट्स वगैरह खा लेते हैं, मिठाई चॉकलेट मज़े मज़े में, लेकिन बाद में जम्स लग जाते, कीड़े लग जाते हैं अपने दांतों में, ठीक है ना, बैक्टीरिया। तो किस वजह से लगते हैं? जो लोग खाते हैं, कीड़े खाते हैं ये स्वीट्स और चॉकलेट्स अपने मुंह में। व्हेन द पीएच फॉल्स टू 5.5 टूथ डिके स्टार्ट, तो जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया खाएंगे ये चीज़ें, ठीक है, अपने माउथ में, तो उससे क्या होगा, पीएच एकदम गिरेगा, मतलब कम होगा और पहुंच जाएगा 5.5 तक। तो उससे क्या होगा, टूथ डिके स्टार्ट होगा, यानी कि दांतों का दर्द स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा, टूथ इनेबल कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी एंड इट गेट्स कोरोडेड। जो आपने दांत वगैरह देख, दांत तो हैं सबके, ठीक है, दांत कैसे बनते हैं? दांत कोई ऊपर से भगवान ने नहीं दी चीज़, दांत अपने में कैल्शियम से बनते हैं। अपन के अंदर अपने बॉडी में जितना भी कैल्शियम है उसके थ्रू दांत बनते हैं अपने, कैल्शियम का कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं उसे, जिससे हमारे दांत बनते हैं। वो एक बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कितना टाइट है। सही बात है, हम कोई भी खाना खा लेते हैं, कितनी भी टाइट चीज़ें काट लेते हैं ना, तो कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है ना। तो कैल्शियम से हमारे दांत बनते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कैल्शियम फॉस्फेट है, ये लिखा है, ठीक है। एंड इट गेट्स कोरोडेड, और यदि बैक्टीरिया यदि हमारे दांत में स्वीट्स और चॉकलेट्स खा रहा है तो सीधी सी बात है, बेचारा वो कैल्शियम फॉस्फेट भी कोरोडेड यानी कि खत्म होने लगेगा। हमारे दांतों में दर्द होता है तो दांत काटने लगता है ना, कीड़ा बिल्कुल काटता चले जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक एक टाइम ऐसा आता है कि दांत बिल्कुल खत्म हो जाता है यदि आप डॉक्टर के पास नहीं आते, और दर्द आपको इतना बेहतरीन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। द सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय सेलिवरी ग्लैंड इज स्लाइटली एल्कलाइन, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पीएच टू सम एक्सटेंट, बट टूथपेस्ट इज यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द माउथ। अब जो सलाइवा है, सलाइवा तो आपने सुना होगा ना, सलाइवा प्रोड्यूस होता है सेलिवरी ग्लैंड की वजह से, जिसे एल्कलाइन कहते हैं, ठीक है जी। हेल्प करता है पीएच को इंक्रीज करने में, पीएच इंक्रीज होता है सलाइवा के थ्रू कुछ एक्सटेंट तक, मतलब कुछ मतलब एकदम से इंक्रीज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा, इसलिए लिखा है टू सम एक्सटेंट। लेकिन जो टूथपेस्ट है वो यूज़ होता है अपने अंदर अपने मुंह में जितना भी एसिड हो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब एसिड को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, एसिड को ख़त्म कर देगा, और जो सलाइवा है वो पीएच को इंक्रीज करेगा। सलाइवा क्या होता है आपको नहीं पता तो मैं समझाता हूँ, आपने बहुत लोगों से सुना होगा, नेट पे देखा होगा, यूट्यूब पे, सब जगह ये बोला जाता है कि सुबह उठते सही एक गिलास गुनगुना पानी पीजिए या फिर सादा पानी पीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है सादा पानी। आप सादा पानी पीने के लिए क्यों कहते हैं, और ये कहते हैं कि कुल्ला भी मत करो ना ब्रश करो, पहले पानी पियो, ऐसा क्यों? हम रात भर में सोते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा कलेक्ट हो जाता है, सलाइवा बन जाता है, तो वो सलाइवा जब हम सुबह सुबह पानी पियेंगे वो सलाइवा अपने पेट में जाएगा, और वो सलाइवा इतना अच्छा होता है पेट के लिए, आप सोच नहीं सकते, आपको बाद में कोई भी बीमारी नहीं होगी आगे। इसलिए लोग कहते हैं कि सलाइवा मतलब पानी पीजिए सुबह सुबह, जिससे सलाइवा आपके पेट में जाए और आपको आगे कोई भी बीमारी नहीं हो। सलाइवा कैसे प्रोड्यूस होता है? क्योंकि अपनी बॉडी में सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, आपने बायो में ये तो पढ़ा होगा। इस तरीके से हम अपने दांत को बचा सकते हैं, पीएच का यही इम्पोर्टेंस है अपने दांत को बचाने के लिए। तो गाइस आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं, ये चैप्टर यानी कि एसिड बेस सॉल्ट आज यहीं एंड हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।